तो कल नीट का पेपर हो गया और जो कमेंट से समझ में आया कि ओवरऑल पेपर इजी था, केमिस्ट्री शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था बच्चों को। बहुत से लोगों का पेपर अच्छा हुआ, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आज वीडियो बनाने का पर्पस उन बच्चों के लिए नहीं है, मैं उन बच्चों से बात करने आया हूँ जिनके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ कि 150 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, पिछले साल 2 साल 3 साल से नीट की तैयारी कर रहे थे और अब सेलेक्ट नहीं हुए। ये ना, एक तो ये जो एज होती है 18 19 साल 20 साल की ना, बड़ी कच्ची उम्र होती है, बड़ा हर्ट होता है यार। मतलब क्या होता है, पहली बार लाइफ में आप कोई बड़ा सपना देख रहे थे और फिर वो सपना नहीं पूरा होता है, टूट जाता है, तो बड़ा हर्ट होता है। जैसे आज हमारी एज में 31 के हो गए हैं, आज हम लोग कोई चीज़ चेस करते हैं पूरे दिल जान से, पूरा साल की चीज़ पर लगाते हैं, वो नहीं पूरी होती ना तो होता है दुख। पर इतनी लर्निंग है ना जीवन की कि हमें पता है ये जीवन का एंड नहीं है, पर ये 18 20 साल में पहली बार, मतलब पहला प्यार होता है एक तरह से, और वो पहला प्यार जब छोड़ के जाता है तो बहुत अलग लेवल का दुख होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। पिछले साल 2 साल 3 साल पढ़ाई कर रहे थे, लगे पड़े थे, किसे पढ़े थे, है ना, बायो लेके बैठे हुए थे, दिन भर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, चाचा ने बोला घर आ जाओ, बुआ ने बोला घर आ जाओ, है ना, किसी की अपनी ज्वाइंट फैमिली है तो बगल वाले रूम पे ही नहीं जा रहे हैं, घुसे हुए हैं, और सबको लग रहा है कि बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। पापा शाम को ऑफिस से आते हैं, पापा पूछते कैसी चल रही तैयारी, है ना, राजा बेटा कैसी तैयारी चल रही है, बेटा पढ़ रहे हो कि नहीं। तो कई बार तैयारी अच्छी नहीं चल रही होती, पर वहाँ हाँ हाँ ठीक चल रहा है, हाँ हाँ हो जाएगा, पर लास्ट में ये दिन आता ही है जब एक्चुअल में पता चलता है होगा कि नहीं होगा। अलग से ये जो आपके पड़ोसी होते हैं, ये अलग घर वालों पर प्रेशर बनाते हैं, माँ बाप से पूछते हैं कैसा हुआ बेटा, तैयारी कर रहा था, कैसा रहा नीट का पेपर, इस साल तो डॉक्टर बन जाएगा, पापा को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। और यार सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है कि हमारी जिम्मेदारियों के लिए हमारे माँ बाप को जब कोई टॉन्ट करता है, वो बड़ा गलत गंदी फीलिंग आती है। मतलब हम ऐसी जनरेशन है या ऐसा कल्चर है कि कहीं ना कहीं हम पे परफॉर्मेंस प्रेशर है, क्योंकि माँ बाप की इज्जत दांव पे लगी है, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी इमेज दांव पे लगी है, ऐसा ऐसा फीलिंग आती रहती है ना अंदर से। मुझे भी आती थी यार वो, आज भी आती है। अब ठीक है, लाइफ में मैंने कुछ कर लिया, पर एक समय पे जब तक नहीं किया था, फाइट कर रहे थे, तो ये फीलिंग आती है। किसी फैमिली फंक्शन में गए नहीं है, अब चाचा बुआ अब और पूछेंगे क्या हुआ, अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ये देखो हमारे घर में ये फला बच्चा था, ये तो हर जगह घूमता था, उसके बाद भी सिलेक्ट हो गया, कंपैरिजन, और ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा यार किसी से बात ही नहीं करनी है, एकदम छुप जाऊं कहीं, क्या कर लूं, दरवाज़ा बंद कर लूं, बहुत हारा हुआ फील होता है। अब मैं कैसे समझ सकता हूँ ये पेन, क्योंकि मैंने भी झेला है भाई, है ना, ऐसी थोड़ी सब बना है, बहुत झेला है, बहुत ये सब चीज़ें हुई है। नौकरी के इंटरव्यू में गए तो एक साउथ के एक सर थे, उनके सर पे बाल नहीं थे, एकदम बॉल्ड थे, तो उन्होंने ऐसा मेरे को रोस्ट किया था ना, मतलब मेरी नौकरी लगने वाली थी फिजिक्स टीचर की तरह, एक साउथ की बड़ी कोचिंग थी उसमें मेरी जॉब लगने वाली थी, एकदम डन था। मतलब उनका इधर नॉर्थ में भी उनके सेंटर्स थे, तो उसमें एक आए थे बॉल्ड से सर, एक टकले से सर आए थे, और उन्होंने यार जिस तरह से मेरा रोस्ट किया था ना फिजिक्स में, हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछ के, तो एकदम लास्ट लेवल पे जाके मेरा इंटरव्यू रुक गया। फिर मुझको बोला कि नहीं नहीं तुम नहीं पढ़ा पाओगे, 9th 10th को पढ़ा लो, 9th 10th के लिए सही है, नीट वीट तुम नहीं पढ़ा पाओगे, फिजिक्स का इंटरव्यू दे रहे थे। अब सोचो वो व्यक्ति, मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, जो वहाँ रिजेक्ट हुआ 2000, आई थिंक मैं कितने साल का, 2000 कब की बात होगी है, 15 15 की बात होगी। तो वो बंदा जो रिजेक्ट हुआ, उसको 6 7 साल लगे खुद को प्रूव करने में, खुद को कुछ बनाने में, तो समय लगेगा यार। ये हार को हार नहीं मानना है, यहाँ से सीख लेके जानी है। देखो मुझे पता है सब बोलना बहुत आसान है, इस पेन से तुम्हें सिर्फ एक इंसान निकाल सकता है और वो तुम खुद हो। अभी तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा ज्यादा लोग से बात करने का, मत करो, कोई बात नहीं है, जस्ट रिमेम्बर दैट बड़ा सपना पूरा होने में टाइम लगता है। तो तुम्हारा जो अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एम है कि जीवन में बड़ा करके दिखाना है यार, कुछ मचा के दिखाना है, वो तुम इससे एक छोटी सी बैटल से नहीं हारोगे यार, उसको, है ना। एक छोटी सी कहानी है सुना देता हूँ, शायद अच्छी लग जाए भाई, है ना। इस टाइम यही तो, एक टीचर का क्या काम है, गुरु का क्या काम है, कुछ भी इधर उधर की बातें करो और किसी तरह से बच्चे को मोटिवेट कर दो, यही तो गुरु का असली काम है। तो हमारे पास एक कुकर में गर्म पानी है एकदम उबलता हुआ, और उसमें मैंने एक अंडा डाल दिया और एक आलू भी डाल दिया, है ना। अब जो आलू होता है वो एकदम सख्त होता है, और अंडा कैसा होता है, एकदम गिलगिला, एकदम सॉफ्ट सा, और खौलते हुए पानी में दोनों को डाल दिया मैंने। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आलू क्या होगा, उबल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसे हाथ से दबाओगे एकदम क्रश हो जाएगा। और अंडे का क्या होगा, अंडा एकदम हार्ड हो जाएगा। तो पानी गर्म दोनों के लिए था, पर दोनों ने बिहेव अलग अलग तरह से किया, है ना। आलू जो था वो हार्ड था,
वो पानी में जाके अपना दम तोड़ दिया, गर्म पानी में गया एकदम सॉफ्ट बन गया, हमारा भरता बना लो भाई, हमको एकदम पिचका लो। अब अंडा जो था एकदम सॉफ्ट था, गर्म पानी में गया लड़ा, कहा मैं भी हार्ड बन जाऊंगा तुम्हारे सामने, एकदम हार्ड हो जाऊंगा मैं, अब मैं लिक्विड नहीं रहूंगा, एकदम सेमी सॉलिड बनके एकदम हार्ड तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। तो यार बात यह है कि जीवन में परेशानी सबके लिए एक जैसी है। फेलियर्स तुम्हारी लाइफ में भी आए, फेलियर्स मेरी लाइफ में भी आए, फेलियर्स स्टीव जॉब्स की लाइफ में भी आए, सबकी लाइफ में आए। दुनिया का जो सबसे सक्सेसफुल आदमी है तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही जीत गया? नहीं यार, बहुत लड़ा, बहुत गिरा, कीचड़ में गया, मुंह काला हुआ उसका, वापस आया, धोया, फिर लड़ा अपने जीवन के लिए। अब जीवन में तुम्हें चूज करना है कि तुमको एक आलू की तरह बिहेव करोगे गर्म पानी के अंदर कि अंडे की तरह बिहेव करोगे। क्या सोच रहे हो? इसका एक ऑल्टरनेट आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है, कि इसी गर्म पानी में अगर हम कॉफी को डाल दें तो कॉफी क्या करेगा? गर्म पानी को अपनी स्मेल दे देगा, कॉफी की स्मेल आएगी पूरे गर्म पानी से, और क्या होगा, गर्म पानी को अपना कलर भी दे देगा, यानी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेगा, ना वहां सॉफ्ट होगा ना वहां हार्ड होगा, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाला और पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में कर लिया कि मैं गर्म पानी को अपना कलर भी दे दूंगा, अपनी महक भी दे दूंगा, अपने जैसा बना दूंगा। तो प्रॉब्लम्स लाइफ में सबके लिए सेम है, ये सिर्फ हमारा बिहेवियर है जो रिजल्ट को डिफाइन करता है। आज भारत में 19 लाख 20 लाख बच्चा ऐसा होगा जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, पर क्या 19 20 लाख बच्चा फेलियर होगा? नहीं यार, इस 19 20 लाख बच्चों में से कितने लोग नेक्स्ट ईयर डॉक्टर बनेंगे? कुछ लोग डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देंगे, कोई यार जरूरी थोड़ी यार इंसान डॉक्टर ही बन के निकले। नहीं सर, हमारा तो सपना था हमें डॉक्टर ही बनना है। नहीं हो सकता, ये एक रास्ता है, मंजिल नहीं है डॉक्टर बनना। क्यों बनना था डॉक्टर? व्हाइट कोट पहनना था। क्यों पहनना था व्हाइट कोट भाई? क्या ऐसा व्हाइट कोट? डॉक्टर की इमेज चाहिए, डॉक्टर जैसा पैसा चाहिए, डॉक्टर जैसा रुतबा चाहिए, पेशेंट्स की सेवा करना है, समाज का भला करना है, बच्चों का डॉक्टर बनना है, महिलाओं का डॉक्टर बनना है, कुछ ऐसे ही एम्स होंगे ना। यही दो तीन रीजन होंगे कि घर वालों को अच्छा लगता है, घर वालों का प्रेशर था, या घर वाले चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, या मैं चाहता हूं मैं डॉक्टर बनूं लोगों की सेवा करूं, या डॉक्टर बनूं क्योंकि समाज में इज्जत मिलती है, या डॉक्टर बनूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने। चारों काम दुनिया में बहुत सी चीजें करके हो सकते हैं। घर वालों की इज्जत बनाने के लिए आपको बस सक्सेसफुल होना है लाइफ में, किसी भी तरह से हो सकते हो। दुनिया की सेवा करने के हजार तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बन के ही सेवा करोगे। पैसे कमाने के हजार तरीके हैं, बहुत से तरीके जिससे आप पैसे कमा सकते हो। एक अच्छी इमेज बनेगी, अच्छा रुतबा बनेगा, बहुत से प्रोफेशन है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे और फिर से एकदम मेहनत करेंगे, दैट्स योर चॉइस। हो सकता हो किसी के 100-150 नंबर आ रहे हो और लग रहा हो कि आप नहीं करनी है तैयारी, हो गए 3-4 साल, तो आगे बढ़ो यार, जीवन बहुत बड़ा है और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, तुम खुद ढूंढोगे, मुझे किसी ने बताई थोड़ी यार, जीवन में खुद लड़े, खुद ढूंढे, खुद बनाया। इस समय तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तुमको बचाएगा भाई, और जो जुझारू बना, लड़ झगड़ के आगे आना है, जीतना है। जैसे मेरे भी बहुत खराब समय रहे कॉलेज के टाइम पे, और मैं ना एक लाइन बोलता था, मैं वो लाइन तुमको बताता हूँ, शायद तुम्हें अच्छी लगे, कि मौत तो हर किसी की आनी है, पर अलग पांडे अनसक्सेसफुल होके नहीं मरेगा। मैं खुद को यही बोलता था हमेशा, मैं अपनी बहन को भी यही बोलता था, मतलब मेरी बहन मेरे छोटे छोटे पॉइंट पे कि अलग तुम कॉलेज छोड़ रहे हो क्या होगा, अलग तुम कोचिंग छोड़ रहे हो, अब यूट्यूब पे पढ़ाओगे क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलता था, मरना सबको, अलग पांडे अनसक्सेसफुल नहीं मरेगा यार दीदी, बस एक लाइन है। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मुझे भी नहीं समझ में आता था। हर बार नई चीजें ट्राई कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लगा हूं, घिस रहा हूं खुद को, पर एक लाइन होनी चाहिए अपनी। तुम भी अपनी एक लाइन ऐसी कुछ बना सकते हो कि यार ये मेरा रूल है, मेरा रूल यही था कि अलग पांडे अनसक्सेसफुल नहीं मरेगा। तुम भी अपने नाम से आगे लगा सकते हो कि मैं अनसक्सेसफुल नहीं मरूंगा, ये बात लिख लो यार। बाकी यार टीचर का यही काम होता है, ऐसी बातें करनी होती है। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और हो सकता हो तुम अपने आस पड़ोस के लिए, हो सकता हो तुम अपने रिलेटिव्स के लिए, हो सकता हो अपने सिबलिंग्स के लिए भी आज तुम फेलियर हो, मेरे लिए तुम फेलियर नहीं हो। अनटिल एंड अनलेस तुमने गिव अप कर दिया और तुम बोल रहे हो मैं अनसक्सेसफुल मर जाऊंगा, ठीक है, जब तक जान बाकी है तब तक चांस बाकी है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।